नवगछिया के बाल भारती में 2 दिवसीय 30वां श्याम महोत्सव का हुआ आगाज। मौके पर भजनों से झूम उठा पूरा पंडाल। सांवरे क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो तुझसे नाता है। नववर्ष के आगमन पर श्री श्याम भक्त मंडल नवगछिया द्वारा आयोजित बाल भारती स्कूल गौशाला रोड में 2 दिवसीय श्री श्याम महोत्सव का 30वां वार्षिकोत्सव बुधवार को बड़े ही धूमधाम से आगाज हुआ। श्याम महोत्सव के अवसर पर राजस्थानी परिधान में स्थानीय महिलाओं द्वारा डांडिया बाबा को 56 भोग अर्पित किया गया। महोत्सव का दृश्य आकर्षक का केंद्र रहा। वहीं मौके पर महोत्सव में आए आमंत्रित भजन गायक कोलकाता के संजू शर्मा धमाल किंग, मुंबई के मनोज मिश्रा, कोलकाता के राज पारिक, जयपुर के सौरभ शर्मा, कटिहार के अभिषेक दीक्षित सहित कई अन्य द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति की गई। वहीं मौके पर न डिस्को जाएंगे न होटल जाएंगे, नया साल सावरिया तेरे दर पर मनाएंगे, जिमो जिमो मारा श्याम घनी है, 56 भोग तैयार जी तुम्हारी शरण मिल गई है सहित कई अन्य भजनों की प्रस्तुति पर भक्त जमकर झूमे। वहीं आयोजन को सफल बनाने के लिए अध्यक्ष अनिल केजरीवाल, उपाध्यक्ष रवि सराफ, पंकज कुमार सराफ, सचिव रुपेश कुमार रुंगटा, उप सचिव वरुण केजरीवाल, उमंग वर्मा, कोषाध्यक्ष संदीप कुमार चिरानिया, उप कोषाध्यक्ष राकेश कुमार भरतिया, मीडिया प्रभारी अशोक केड़िया सहित सैकड़ों श्याम भक्त कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं।
कोनी पाई बाबा श्याम दियो आडे आयो मने देख कोनी पाई बाबा श्याम घटियो आडे आयो मंडल अध्यक्ष अनिल केजरीवाल आज हमारे यहाँ श्री श्याम महोत्सव का 30वां वार्षिकोत्सव है। ये बड़े ही धूमधाम से सभी भाइयों के सभी साथियों के सहयोग से मनाया जा रहा है। आज का कार्यक्रम सुबह 2 बजे पूजन चालू होकर के उसके बाद महाडांडिया रास के साथ बाबा को 56 भोग अर्पण किया गया। फिर अभी छेदी खगड़िया से, सौरभ शर्मा जयपुर से एवं मनोज मिश्रा बॉम्बे से वो अपने भजनों से भक्तों को मोहित करेंगे एवं कल 2 तारीख को सुबह बाबा को पूजा अर्चना कर दोपहर से 12 बजे से सहरसा से आए हुए कलाकार, कटिहार से आए हुए अभिषेक शर्मा, कलकत्ता से आए हुए राज पारिक एवं संजू शर्मा अपना कला का एवं भजनों का से भक्तों को रिझाएंगे और फिर उसके बाद ये हमारा प्रोग्राम समापन की ओर चला। परिचय देकर बताए कार्यक्रम। मैं आलोक राज, मैं एक श्याम दीवाना हूँ। मुझे ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग कहीं होटल नहीं जाते, कहीं डिस्को नहीं जाते, कहीं पब नहीं जाते। हम लोग अपना न्यू ईयर बाबा श्याम के चरणों में मनाते हैं और हम लोग हमेशा मनाते रहेंगे। ये नौगछा का सौभाग्य है कि श्याम भक्त मंडल ऐसा आयोजन करता है और हमेशा करेगा और हम लोग हमेशा न्यू ईयर बाबा के चरणों में मनाते रहेंगे। जय श्री श्याम। मैं निहाल केजरीवाल,
श्याम दीवाने का एक छोटा सा सदस्य श्याम भक्त मंडल नौगछिया हर साल 31 जनवरी 1 जनवरी को बाबा का भव्य दरबार का आयोजन करता है, लेकिन इस बार वो 1 जनवरी को और 2 जनवरी को बाबा का भव्य आयोजन किया है। तो हमने एक प्रयास किया, ठंडी के मौसम में लोगों को व्यवस्था चाय की दी, पानी की दी, कि लोग आए बाबा के चरणों में अपनी हाजिरी लगाए और चाय के साथ अपना ठंडी का भी सौभाग्य है कि ठंडी लोगों को लगती है तो चाय उसका ठंडी का एक दवाई है कि लोग ठंड में नहीं रहेंगे, चाय पी के अपना बाबा के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। जय श्री राम। जय श्री श्याम। मेरा शुभ नाम केशव सराफ, मैं एक श्याम दीवाने का छोटा सा सदस्य हूँ। मैं सभी श्याम प्रेमियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ श्याम दीवाने की तरफ से। हम लोग 1 जनवरी जो मतलब नया साल जो बनाते हैं वो बाबा के चरणों में मनाते हैं ना, और बाबा ने चरणों में जो बनाते हैं वो बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। एक भजन भी निकला है, ना जितो जाएंगे ना होटल जाएंगे, नया साल सांवरे तेरे चरणों में मनाएंगे। तो हम लोग वही कर रहे हैं, हम लोग नया साल बाबा के चरणों में मना रहे हैं। जय श्री राम। बाबा से क्या मांगना चाह रहे हैं 2020 में, क्या चाहिए? चाहिए कि बस परिवार को स्वस्थ रखे। 2020 को किस तरह से घर का हुआ तो बाबा से क्या मांगना चाह रहे हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं? खाटू बाबा से क्या मांगना चाह रहे हैं? हमारे लिए शुभकामना मांगे, सब कुछ अच्छा हो, सब में एकता की भावना हो, प्रेम से रहे। हम लोग ये मांगते हैं मेरे बाबा जी बहुत बड़ी मंदिर हो जाए अगले साल तक, जिससे कि हम लोग अपनी मंदिर में पूजा करें अपना ही। 2020 को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नए प्रोग्राम और नए नए प्रोग्राम हो, इस बार डांडिया या पिछले साल हो सकता है कुछ और नए। इसके कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत सब मजा कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है हम लोगों को, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना भव्य दरबार बना है बाबा का, हम लोग बहुत मजा कर रहे हैं रामलीला के साथ, डांडिया के साथ हम लोग को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यू ईयर? न्यू ईयर हम लोग बाबा के दर पे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाबा से क्या मांगना चाहेंगे? बाबा को क्या कहेंगे कि 2020 में क्या चाहिए? वो यहाँ लाइन लगा रहे हैं, हम लोग यहाँ लाइन लगा रहे हैं। बाबा से क्या चाहिए? लाइन कहाँ से आए हुए आप? हम लोग नौगछिया के हैं। बोलिए भाई, कार्यक्रम में कैसा लग रहा है? बाबा से क्या मांग रहे हैं? बाबा से
से हम लोग खुशियाँ ही मांगते हैं और हर साल हम लोग बाबा जी को ऐसे ही अपना न्यू ईयर मनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, भगवान करे ऐसे ही हम लोग न्यू ईयर जितने भी छप्पन भोग में फिर से जय श्री राम। आज के कार्यक्रम में खासा नगोशिया में क्या नजर आ रहा है? बहुत मस्ती आ रही है, सबसे मिलने मिल रहा है, बाबा का इतना अच्छा दर्शन हुआ। हम लोग भूटान से इतनी दूर चल के नगोशिया आए ताकि बाबा का दर्शन कर पाए। सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं न्यू ईयर? डांडिया के साथ भी कर रहे हैं, मेरे बाबा के साथ कर रहे हैं। पिछले बार के मुकाबले इस बार कितना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? पिछले बार